अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है वेट के हवाले से, वेट लॉस के हवाले से। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका वजन कम हो और वो बिल्कुल स्मार्ट नजर आए। बस लोगों की ख्वाहिश तो नहीं बल्कि मजबूरी होती है, क्योंकि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज होता है, हाइपरटेंसिव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, डायबिटिक होते हैं, तो उन्हें तो अपना वजन कम करना बहुत जरूरी होता है उनके लिए। और बस लोगों का ये है कि उनको सोशल कॉन्फिडेंस जो लूज होना स्टार्ट हो जाता है, बेली अगर बहुत ज़्यादा उनका जो है वो आउट हुआ हुआ है, शोल्डर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, हैवी वेट हैं, तो वो फिर बहुत टोटके यूज़ करते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हालांकि ग्रीन टी खास करके मेल के अंदर एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन कर देती है। तो एक तरह से आप फायदा लेते हुए साथ अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो आपके लिए बहुत एक जरूरी चीज है, उसको आप डाउन करते हैं, तो फिर ये आपके लिए फायदा ना हुआ बल्कि आपका नुकसान हुआ। मैदे को जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है, उनको तजाबियत, जलन, ऐसी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज्यादा ग्रीन टी यूज करके। बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कंपोजिशन में चीज़ें मिला के खाना शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों ने अगर डाइटिंग की तो बिल्कुल ही डाइटिंग कर दी, बल्कि छोड़ दिया, अपनी बॉडी की कैलोरीज को भी पूरा नहीं किया। बाज़ लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लेकिन खाना वो नहीं छोड़ते, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वजन नहीं कम होता, फिर या फिर वो डाइटिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये नहीं चीज पता होता कि हम लोगों ने डाइटिंग कैसे करनी है, कौन सी चीज हमने खानी है और कौन सी चीज हमने नहीं खानी। वजन बेसिकली क्या चीजें बढ़ाती हैं? वजन बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिन चीजों के अंदर ज्यादा होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज्यादा है। टॉप पे अगर कोई चीज है, चीजें हैं कॉमन, तीन चीजें हैं, तो वो है सबसे पहले गंदम की रोटी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड होता है राइस और थर्ड होता है वाइट शुगर, चीनी, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। दो चीजें जैसे मैंने बताया, वाइट शुगर और राइस, ये आप बिल्कुल स्टॉप कर दें। जहां तक तल्लक है रोटी का, अगर आप एक दिन में 6 खाते हैं उनको 3 कर दें, 4 खाते हैं 2 कर दें, 2 खा रहे हैं 1 कर दें, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, आप उसको खाएं, आप उसको कम कर दें। साथ में आपने ये करना है कि कीटोजेनिक डाइट प्लान, एक गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा कि आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को आपने क्या खाना है। इसमें आपने प्रोटीन बहुत ज्यादा लेनी होती है, फैट बर्न करने में प्रोटीन आपकी बहुत मदद करती है। प्रोटीन में एग जो होता है, इसका इस्तेमाल खास करके ब्रेकफास्ट में आप एग लेंगे, और कीटोजेनिक डाइट प्लान पूरा चार्ट आ जाएगा आपको, आसानी हो जाएगी उसके अंदर देखो। दूसरा, आप अपना ऑयल छोड़ दें, घी है तो वो छोड़ दें। आप अपना खाना जो है वो सरसों के तेल के अंदर बनाएं। अपनी बॉडी को कैलोरीज, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि कैलोरीज पूरी दें। बाज़ लोग होता है कि वो बहुत इंस्टेंटली अपने वेट को लॉस करते हैं, 3 माह में 25 किलो 20 किलो कम कर लिया, लेकिन उनका नुकसान क्या होता है? उनकी चेहरा लटक जाता है, जो उनका गोश्त होता है जिस्म का वो लटक जाता है, जुड़ियां पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, फेस पे पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, स्टोमिक पेन होने लगता है, लिक्विड इनटेक ना करने की वजह से, ज्यादा करने की वजह से किडनी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो बस आपने इन चीजों का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। वेट जो है ये बेली पे सबसे पहले आता है, उसकी वजह ये होती है कि वहां पे उसको एरिया जो है वो बहुत ज्यादा मिलता है, सॉफ्ट एरिया, तो वहां पे कैलोरीज जो है वहां फैट को स्टोर करने लग जाती हैं। हम जो कैलोरीज ओवर खाती हैं, जो बॉडी की जरूरत होती है वो कंज्यूम होती है, और बाकी वहां पे लोड होने लगती हैं और वो फिर फैट की शक्ल में वहां पे सेव होने लगती हैं। वजन जो है सबसे पहले जो है वो बैली पे आता है, और सबसे लास्ट में बैली से जो आपकी फैट है वो खत्म होता है। चेहरे का सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है, चेहरे से आपको पता चलता है कि आपका वजन कम हो रहा है। थर्ड फिर आपकी टांगों से, फोर्थ फिर आपके चेस्ट और शोल्डर कम होती है, और फिफ्थ में जाके फिर आपका फैट कम होता है बैली से। एक्सरसाइज रखें आप प्रॉपर, शुरू के दिन से ही एक्सरसाइज बहुत हैवी ना करें,
डे बाय डे आप उसको थोड़ा थोड़ा करके उसका टाइम बढ़ाते जाएं। साथ में जो टैबलेट है जिसका नाम है और स्लिम कैप्सूल, ये और स्लिम कैप्सूल सुबह शाम आप खाएं। और स्लिम का बेसिक काम क्या है कि ये भूख को ख़त्म करता है। बाज़ लोग सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन उनसे रहा नहीं जाता, बार बार उनको भूख लगती है। तो ये काम करती है कि ये भूख जो है ना आपकी भूख मिटा देगी, तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। लेकिन आपने ये नहीं है कि भूख नहीं लगती तो आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, आपने वेजिटेबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। वेजिटेबल से एक तो आपका पेट भी भर जाता है, लो कैलोरीज होती हैं तो आपका वेट भी उनसे नहीं बढ़ता। तो ये कैप्सूल जो है आपने 3 बार रेगुलर इस्तेमाल करना है। साथ आपने अपनी डाइट भी रखनी है, कीटोजेनिक डाइट प्लान रखें या आप खुद से डाइट प्लान जो बनाते हैं वो आपको होना चाहिए। साथ आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए तो आपका वेट जो बहुत एक प्रॉपर वे से कम होगा। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सीड ना करें। ग्रीन टी अगर पीते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, दिन में 2 से 3 कप जो है वो आपके लिए इनफ होते हैं। अपना डेली विटामिन कोई भी आप रख लें जो आपने खाना है, जिससे बाकी बॉडी की जो पार्ट्स हैं, जो आपकी सेहत है उसके ऊपर असर अंदाज ना हो आपकी ये डाइटिंग। तो आपके लिए ये वीडियो अगर हेल्पफुल थी तो आप वीडियो को लाइक करें। इससे मुतल्लुक कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। आपको मज़ीद कोई प्रॉब्लम है अगर स्किन की तो उससे रिलेटेड आप बताएं, हम वीडियो भी बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इस जैसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।